हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं, उस देश का हिस्सा कुछ एशिया में है तो कुछ हिस्सा यूरोप में है। दोस्तों, एक ऐसा देश है जहां चिकन से मिठाई बनाई जाती है। यहां के लोग कम से कम दिन में 10 कप चाय पी जाते हैं। इस देश के लोग एक ही धर्म से हैं, फिर भी यहां के लोग धर्मनिरपेक्ष कहलाते हैं। एक ऐसा देश जहां लाल टोपी पहनकर निकलना मना है। इस देश की खूबसूरती देखने के बाद किसी को भी इस देश से वापस जाने का दिल नहीं करेगा। जिस तरह इस देश की वादियां खूबसूरत है, उस तरह यहां की लड़कियां भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक खूबसूरत इस्लामिक कंट्री तुर्की देश के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं तुर्की के एक खूबसूरत और शानदार सफर में। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि तुर्की का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है और इस देश की कुल आबादी 8,20,00,000 के आसपास है। तुर्की में 76% लोग शहरों में रहते हैं, वहीं 24% लोग गांव में रहते हैं। इस देश में तुर्किश भाषा बोली जाती है, जिसे देश की 90% आबादी बोलती है। तुर्की में 30 भाषाएं हैं जिनके बोलने की संख्या सबसे ज्यादा है। इनमें से जजाकी और कुर्मानजी, अरबी और साथ ही कुर्द भाषा भी शामिल है। तुर्की एक ऐसा देश है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसका एक हिस्सा यूरोप वही उसका दूसरा हिस्सा एशिया में है। हालांकि इस देश का ज्यादातर हिस्सा एशिया में है। तुर्की में 90% से ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है। यहाँ सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल मस्जिदें हैं, जिनकी संख्या 82,693 से भी ज्यादा है। लेकिन तुर्की की कई मस्जिदें ऐसी हैं जो टूरिस्टों के लिए खुली होती है। आप चाहे मुस्लिम हो या ना हो, यहाँ जा सकते हैं। तुर्की का क्षेत्रफल करीबन 2,96,185 वर्ग मील है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से तुर्की दुनिया का 37वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। तुर्की देश की राजधानी अंकारा है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। अक्सर लोग तुर्की की राजधानी इस्तांबुल को समझ बैठते हैं, लेकिन इस देश की राजधानी अंकारा है। हालांकि यहाँ का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इस्तांबुल दो महाद्वीपों के बीच आता है, एशिया और यूरोप। वैसे तो तुर्की का ही 95% हिस्सा एशिया में है और 5% यूरोप में है। तुर्की देश की सीमाएं 8 देशों से लगती है। तुर्की देश की सीमाएं रशिया, ईरान, इराक, सीरिया, भूमध्य सागर, ग्रीस, बुल्गारिया और काला सागर तक फैली हुई है। तुर्की सूखे खुबानी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ अंजीर, किशमिश और हेजलनट का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। तुर्की में दुनिया के 3rd सबसे ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोग रहते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर पर ब्रिटिश है। तुर्की दुनिया के 7 अजूबों में से 2 अजूबों का घर है। तुर्की के ग्रैंड बाजार में हर साल करीबन 9 करोड़ लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। यूनेस्को की सूची में तुर्की में 13 विश्व धरोहर स्थल शामिल है। तुर्की में 1939 के बाद कम से कम 25 बेहद भयानक भूकंप के झटके आ चुके हैं। ये तो वो है जिनकी तीव्रता कम से कम 7.8 थी। कोई और जगह होती तो अब तक तबाह हो गई होती। तुर्की की महिलाएं भी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की गिनती में आती हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग यूरोपियन जैसे दिखाई देते हैं। तुर्की के ज्यादातर लोग देश प्रेमी है, इसी वजह से तुर्की चाहे जितनी भी बुरी वक्त से चल रहा हो, लेकिन अपने देश के बारे में कभी भी गलत बात नहीं सुनता। तुर्की को सभी मुस्लिम देशों में से मॉडर्न देश जाना जाता है और यहाँ की ज्यादातर महिलाएं बाकी मुस्लिम देशों की महिलाओं की तरह अपने चेहरे को नहीं ढकती। तुर्की दुनिया का पहला ऐसा मुस्लिम देश है जहां पर महिलाओं को हर तरह की आज़ादी दी जा चुकी है। तुर्की की जीडीपी दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी जीडीपी मानी जाती है। तुर्की का शहर इस्तांबुल कन सेंटर मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है, जहां 25,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। पूरी दुनिया में चाय पीने के मामले में तुर्की के लोग सबसे आगे रहते हैं। यह देश की लगभग 96% जनता हर रोज चाय पीती है और पूरी दुनिया में ये सबसे ज्यादा है। यहाँ का एक नागरिक दिन में 5 से 10 कप चाय पी जाता है। ऑल रेसलिंग तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। पिछले 650 सालों में यह तुर्की का खेल खेला जाता है। यूं तो हमारी कुश्ती की तरह ही है, लेकिन इनमें से प्रतियोगी को अपने शरीर पर तेल लगाकर कुश्ती करते हैं। साथ ही कैमल रेसलिंग और बेल रेसलिंग भी तुर्की में खेले जाते हैं। तुर्की विश्व की कुछ बहुत सुंदर मस्जिदों का घर माना जाता है। तुर्की में 82,000 से भी ज्यादा मस्जिद बनाई गई है। इन सभी में से इस्तांबुल का सुल्ताना मेत मस्जिद विश्व का सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। तुर्की विश्व का सबसे बड़ा हेजलनट उत्पादक देश है। विश्व का तकरीबन 75% हेजलनट तुर्की से ही आता है। यह हेजलनट का उत्पादक काला सागर के किनारे होता है और 7वीं सदी हेजलनट बेचा जाता है।
टर्की में भी सबसे अजीबोगरीब मान्यता है। ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार टर्की के लोग अपने नवजात शिशु के तकिए के नीचे एक कछुआ रखते हैं। मान्यता के अनुसार कछुओं को बच्चों के तकिए के नीचे रखने से उनकी रक्षा होती है। तो दोस्तों ये थी तुर्की देश के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपको तुर्की देश के अलावा किसी अन्य देश के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स के साथ।